दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपका बैंक खाता बुरे दौर से गुजर रहे गुजरात के अहमदाबाद स्थित सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपको बड़ी राहत मिली है। तो सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को लेकर ताजा अपडेट क्या है ये हम इस एपिसोड में आगे आपको बताएंगे, लेकिन अगर इस यूट्यूब चैनल के लिए आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं। दरअसल आरबीआई ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का अहमदाबाद के ही कालूपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक में स्वैच्छिक विलय की मंजूरी दे दी है। यह विलय 16 अक्टूबर से लागू हो गई है, यानी अब पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की सभी शाखाएं कालूपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा के रूप में काम करेंगी। इस फैसले से सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के लाखों जमाकर्ताओं को भारी राहत मिली है। आरबीआई ने कहा है कि विलय योजना 16 अक्टूबर 2023 से लागू हो गई है, यानी 16 अक्टूबर से अहमदाबाद के सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं अहमदाबाद के ही कालूपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। इस विलय का सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों के लिए मतलब क्या है? तो इस विलय के बाद हो सकता है आपका पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और यूजर नेम के अलावा आईएफएससी कोड भी बदल जाए। आप इसकी जानकारी अपनी शाखा में जाकर जरूर ले लें। आपको बता दूं कि विकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक 1998 से कारोबार कर रहा है, जबकि कालूपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक 1970 से कारोबार कर रहा है। सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में बचत खाता, चालू खाता, एफडी, आरडी खुलवाने की सुविधा के साथ साथ होम लोन, वाहन लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एनईएफटी, आरटीजीएस, लॉकर की सुविधा मिली हुई है। आपको बता दूं कि आरबीआई ने 23 मार्च 2021 को कोऑपरेटिव बैंकों के विलय के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। इस दिशा निर्देश के मुताबिक आरबीआई 3 स्थितियों में किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में स्वैच्छिक विलय के प्रस्ताव की मंजूरी देता है। पहली स्थिति, जिस कोऑपरेटिव बैंक का विलय होने वाला है उसका नेटवर्थ पॉजिटिव हो और साथ ही जिस कोऑपरेटिव बैंक में उसका विलय होना है अगर वह भरोसा दे कि उसमें विलय होने वाले कोऑपरेटिव बैंक के सभी जमाकर्ताओं के पैसे को वह सुरक्षित रखेगा, तो ऐसी स्थिति में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी देता है आरबीआई। दूसरी स्थिति, जिस कोऑपरेटिव बैंक का विलय होने वाला है अगर उसका नेटवर्थ निगेटिव हो लेकिन जिस कोऑपरेटिव बैंक में उस बैंक का विलय होना है अगर वह भरोसा दे कि उसमें विलय होने वाले कोऑपरेटिव बैंक के सभी जमाकर्ताओं के पैसे को वह सुरक्षित रखेगा, तब इस स्थिति में आरबीआई स्वैच्छिक विलय की मंजूरी देता है। तीसरी स्थिति, जिस कोऑपरेटिव बैंक का विलय होने वाला है अगर उसका नेटवर्थ निगेटिव हो लेकिन जिस कोऑपरेटिव बैंक में उस बैंक का विलय होना है वह अगर भरोसा दे कि उसमें विलय होने वाले कोऑपरेटिव बैंक के सभी जमाकर्ताओं के पैसे को वह सुरक्षित रखेगा और साथ ही विलय होने वाले बैंक को राज्य सरकार की मदद से जरूरी आर्थिक मदद भी करेगा, तो ऐसी स्थिति में दो कोऑपरेटिव बैंकों के विलय की स्वैच्छिक मंजूरी देता है आरबीआई। दोस्तों बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन इस एपिसोड या फिर पैसों से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।